लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।
अदालत की कार्यवाही शुरू की जाए। योर ऑनर, जानकी देवी पर इल्जाम है कि इन्होंने शहर के जाने माने बिल्डर सेठ गिरधारी लाल का कत्ल किया है। इसके अलावा इन पर यह भी इल्जाम है योर ऑनर कि इन्होंने अपने पति के दोस्त अशोक मिश्रा और अपने पति के बड़े भाई अपने जेठ कालीचरण की भी हत्या की है। जानकी देवी, तुम्हें अपने जुर्म कबूल हैं? योर ऑनर, सरकारी वकील साहब ने तो मेरा सबसे बड़ा जुर्म अभी अदालत को बताया ही नहीं। मेरा असली जुर्म, मेरा सबसे बड़ा जुर्म, सबसे संगीन जुर्म था गरीबी। मेरा जुर्म यह था योर ऑनर कि मैंने एक गरीब मां के कोख से जन्म लिया। इस जुर्म की सजा समाज ने तो मुझे बार बार दी, लेकिन शायद इस दुनिया की कोई भी अदालत मुझे इस जुर्म की सजा नहीं दे सकती। मेरे जीवन के कई साल मेरे गरीब माँ बाप के गरीब आंगन में सूखी लकड़ियों की तरह टूट गए, और फिर एक दिन मेरा ब्याह हुआ। ओम ब्रह्मा मुरारी पुराण तकारी भानु शशि भूमि सुतो चक्राश चक्षु शनि राहु के तभी सर्वे कहा शांत करा भवंतु हरि ओम तत्सत। अब वर और वधु पवित्र अग्नि के साथ फेरे लेंगे। ठहरो पंडित, फेरे बाद में होंगे। पहले मैं देखूं तो सही कि जानकी के बाप ने हमें दहेज में दिया क्या है। कालीचरण बाबू, आप तो कह रहे थे भगवान का दिया आपके पास सब कुछ है, आपको दान दहेज कुछ नहीं चाहिए। वो हमारा बड़प्पन था, लेकिन बद्री प्रसाद, बिना कुछ लिए दिए शादी होती है क्या? काली बाबू, मैं तो अपनी उम्र भर की कमाई अपनी लाडली बेटी जानकी आपके छोटे भाई को सौंप रहा हूं। इसके अलावा मुझ गरीब के पास देने के लिए कुछ नहीं है। तुम्हारी 25 साल की गरीबी की कमाई का बोझ उठाने के लिए मेरा ही भाई मिला था। चल राम चरण, बहुत हो चुका ये नाटक, मैं तेरी शादी कहीं और धूमधाम से कर दूंगा। चल चलो भाइयों। मुझ पर और मेरी बेटी पर तरस खाओ कालीचरण बाबू, मैं तुम्हारे पांव पड़ता हूं, हम पर रहम करो कालीचरण बाबू। बंद कर ये नाटक, रहम की भीख मैं नहीं दूंगा। चल राम। कालीचरण बाबू, कालीचरण बाबू, कालीचरण बाबू, हम तो बर्बाद हो गए, बर्बाद हो गए हम तो। आप चिंता मत कीजिए बाबूजी। पंडित जी, शादी की रस्म पूरी कीजिए। भगवान भला करे रामचरण का, इज्जत रख ली गरीबों की। मंगलम तन्नो हरि, ओम हरि ओम तत्सत हरि ओम। जीते रहो बेटा, जीते रहो, सदा सुहागन रहो मेरी बच्ची, सदा सुहागन रहो। क्यों आए हो तुम यहां? आपका आशीर्वाद लेने आए भैया, अपनी बहू को घर के अंदर ले चलिए। इस घर में अब तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, तुमने हमारी मर्जी के खिलाफ शादी की है। भैया, मैंने अपने प्यार और मर्यादा की खातिर जानकी से ब्याह किया है। तो फिर जाओ, मर्यादा को उड़ो बिछाओ और प्यार को खाओ। प्यार करने वालों का यह अपमान कोई नई बात नहीं है जानकी। आओ तुम्हें मैं अब अपने घर ले चलूं। चलो। यह है अपना घर जानकी। इसमें न दीवारों दरवाजों का बंधन है, न बूढ़े बासी रिवाजों की घुटन। यह तुम्हारी तरह सदाबहार है जानकी। और ये घर
तुम्हारे दिल और सीने की तरह विशाल है, बड़ा है, गहरा है। पान खाए सैया हमारो मलमल के कुर्ते पे छींटे लाल लाल। मिश्रा जी आए, मिश्रा जी, मिश्रा जी नाश्ते। ओहो मास्टर रामचरण बाबू, आ जाओ मित्र, बिना संकोच के ऊपर आ जाओ। आओ जानकी, आओ। मिश्रा जी ये जानकी है, मेरी धर्म पत्नी, मुझे मालूम है। नमस्ते जानकी भाभी।
आइए आइए अंदर आइए। भाई राम बहुत बहुत बधाई हो। जब तुम इनसे ब्याह रचा रहे थे तब मैं शहर में अपने लिए पत्नी ढूंढ रहा था। अब मुझे क्या पता था कि बगल के गांव में ही जानकी भाभी जैसी अद्भुत सुंदरी मौजूद है, वरना तुम्हारा नंबर नहीं लगता मित्र। भाई मिश्रा, बात यह है कि मेरी अपने बड़े भैया से जरा कहा सुनी हो गई और उसने तुम्हें जानकी भाभी के साथ घर के बाहर से भगा दिया। मुझे मालूम था कालीचरण दुष्ट है, लालची है। अगर मैं उसकी जगह होता तो सर आंखों पर बिठाता जानकी भाभी को। यार मिश्रा, अगर तुम्हें तकलीफ ना हो तो हम लोग कुछ दिन तुम्हारे मेहमान बनकर रह लें। अरे तुम सारी जिंदगी यहां रह सकते हो मास्टर, तुम्हारा ही घर है। हा? और भाभी तुम गुमसुम क्यों खड़ी हो? भाई तुम्हारा देवर हूं, थोड़ा ज्यादा बोल लेता हूं बस। तो सुनो, आज से इस घर को तुम्हें चलाना है, तो पहले रसोई में जाओ और मेरे लिए और अपने पतिदेव के लिए कुछ नाश्ते पानी का इंतजाम करो। हाँ जानकी, बड़ी भूख लगी है, तुम कुछ बना ही दो। यार राम, जानकी को इस हालत में मुझसे नहीं देखा जाता। मिश्रा तुम तो जानते हो मैं एक मामूली स्कूल मास्टर हूं, इससे ज्यादा क्या कर सकता हूं। तुम कुछ भी मत करो, अब मैं करूंगा। भाई जानकी भाभी पर अब हमारा भी तो अधिकार बनता है ना, है? मैं अभी आया। सुनो जी, रसोई तो खाने की चीजों से भरी पड़ी है। हाँ, और घर पहनने की चीजों से। देखो ये साड़ी मैंने अपनी दुल्हन के लिए खरीदी थी बनारस में, लेकिन क्या करें, कोई मिली नहीं जिसे पहना था। फिलहाल इसे तुम पहन लो, है? और ये जेवर भी। भाई राम, तुम कहो ना इसे, ये तो हमारा काम आनेगी नहीं। अब इतने आदर से दे रहा है तो क्या हर्ज है, पहन लो ना। भाई रामचरण, तुम सचमुच तकदीर के सिकंदर हो। मैंने तो सुना है कि अपने गांव की पहली लड़की है जानकी जिसने कि मैट्रिक पास किया। हाँ, मैट्रिक में मैं ही पढ़ाता था इनको। अच्छा, तो टांका क्लासरूम में ही फिट हुआ था दोस्त। मुझे नहीं मालूम था कि ये साड़ी और ये गहने मुझे पूरे गांव में बदनाम कर देंगे। अशोक मिश्रा की बुरी नजर मुझ पर पड़ चुकी थी और फिर एक दिन नीच। कुछ भी कहो रानी, एक बार इन शहद भरे होंठों को चूम ले रहे। ये क्या कर रहा है मास्टर? दोस्त पर हाथ उठाना पाप है रामचरण, और दोस्त की पत्नी पर हाथ डालना पुण्य नीच। दोस्त के भेस में शरीर ना नाग या कमीने नाग। अरे चलो जानकी, अब हम यहां नहीं रहेंगे, आओ। हुआ कैसे, दोनों एक साथ कैसे मर गए? अरे आत्महत्या की है दोनों ने। अरे भैया जरा टांगा रोकना। राधा काकी, किसने आत्महत्या की? अरे काकी तुम बोलती क्यों नहीं, खुद ही आके देख लेना। जान ले ली कुल्टा ने अपने मां बाप की। पिताजी, मैंने कोई पाप नहीं किया, मैंने कोई पाप नहीं किया, मैंने कोई पाप नहीं किया। Ah!
बधाई हो रामचरण, लक्ष्मी आई है। अरे मेरी रानी, चल 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 चल। देखते ही देखते मेरी बेटी 3 साल की हो गई कि अचानक एक दिन मेरे जेठ हमारी जिंदगी में वापस आ गए और हाथ पर जोड़कर जबरदस्ती हमें अपने घर ले गए। कारण मुझे बाद में पता चला। तुम यहां हो जानकी, मुझे पता नहीं था बहू, माफ कर देना, माफ कर देना। ला मुझे दे। क्यों रामचरण, मजे में तो हो? हमने जानकी को जरा सा हाथ लगाया था तो आग लग गई थी तुम्हारे मन में, और अब वो तुम्हारा शराबी भाई जानकी की जवानी के मजे जी भर के लूट रहा है, उसका तुम्हें बुरा नहीं लगता? काली बाबू, राम के सर में बड़ी गहरी चोट लगी है। ये रोग मेरे बस का नहीं है। अगर आप अपने छोटे भाई की जिंदगी बचाना चाहते हैं तो इसे फौरन शहर ले जाइए। वैद्य जी, मेरे पास तो जहर खाने के लिए पैसा नहीं है, इसका इलाज शहर में कैसे कराऊं? फिर तो राम ही बचाए इसे। अच्छा मैं चलता हूं। चलिए। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी राम, मरने नहीं दूंगी। मैंने गांव छोड़ दिया और बीमार राम को लेकर बंबई आ गई, पर मेरी बदकिस्मती ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। यहां मुझे एक और नाग मिला,
सेठ गिरधारी लाल। आइए मालिक, पधारिए पधारिए, आइए आइए। तो सब ठीक ठाक चल रहा है बंसी? आपकी कृपा से सब ठीक ठाक चल रहा है मालिक। वो जो 3 नंबर ब्लॉक है ना, उसकी फ्लोरिंग का काम पूरा हो गया है। 406 में सीमेंट की बोरियां पहुंचा दी हैं। बस जैसे ही रेती आ जाएगी उसका भी हम काम कल से शुरू करवा देंगे। 201 में माल। ये कौन है? ये जानकी है मालिक। नहीं है? क्या आज ही भर्ती हुई है? अच्छी है मालिक, ये तो उसकी तकदीर अच्छी है कि आपने उसे देख लिया। ठीक है, घराने बाद में बात करेंगे। जी बेहतर, आइए आइए आइए। वाह 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 वाह, खिला पिला रही है गृहस्थी को। जी हाँ, सब आप ही की मेहरबानी से हुआ भैया। अरे मेहरबानी काहे की, और भी किसी चीज की जरूरत हो तो कहना मुझसे, आखिर तो है तो हमारे ही देश की ना। बंसी भैया, हाँ एक प्रार्थना है। हाँ हाँ हाँ। मेरे पति को किसी डॉक्टर साहब के यहाँ ले चलिए, आखिर इनके इलाज के लिए तो मैं गांव छोड़कर इतनी दूर आई हूँ। डॉक्टर जी है तू कल इसे लेकर मेरे साथ में चल, मेरी जान पहचान का है एक डॉक्टर। बड़ी मेहरबानी भैया। अरे मेहरबानी का है कि। अच्छा तो मैं चलता हूँ। क्या लगता है डॉक्टर साहब? राम के दिमाग का ऑपरेशन करना होगा, और वो भी बहुत जल्द। वैसे भी बहुत देर हो चुकी है, ऑपरेशन के बाद शायद वो चल फिर सके, बोल सके, वरना इसका बचना बहुत मुश्किल है। कितना खर्चा आएगा डॉक्टर साहब? खर्चा तो बहुत आएगा, लेकिन हाँ अगर सेठ गिरधारी लाल जी सिफारिश कर देंगे तो 20-25 हजार में ही हो जाएगा। 20-25 हजार? क्या हुआ रही जानकी? अरे ऐसे गुमसुम क्यों बैठी है? काम पर भी नहीं आई आज? हाँ मैं सारी उम्र काम करूं तो भी 25 हजार तो नहीं कमा सकती ना बंसी भैया, मेरी तकदीर ही खोटी है। अरे तकदीर को खरी करना तो इंसान के अपने हाथ में होता है, तू हिम्मत मत हार, सब ठीक हो जाएगा। कैसे बंसी भैया कैसे? मुझे भागन का तो कोई 25 रुपए भी नहीं देगा। मैं दिलाऊंगा तुझे 25 हजार रुपए तेरे राम के इलाज के लिए। क्या? हाँ जानकी, तेरा दुख मुझसे देखा नहीं जाता, मैं तुझे अपने सेठ के पास ले चलूंगा। वो दयालु हैं, धर्मात्मा हैं, अगर मैं उनसे कहूंगा ना तो वो तुझे सिफारिश की चिट्ठी भी दे देंगे और तेरे राम के इलाज के लिए 25 हजार रुपए भी। सच बंसी भैया? 100% ही सच, तेरा राम अच्छा हो जाएगा, तेरे साथ मिलकर काम करने लगेगा। बस यूं समझ जानकी, तेरा राम खड़ा हो गया।
तुमसे कुछ चाहिए। आप मेरी जान ले सकते हैं मालिक, और तो मेरे पास देने को कुछ भी नहीं है। है। तेरे पास तो इतनी दौलत है जानकी कि तेरे सामने हम कंगाल हैं। वो अपार दौलत है जिसे पाने के लिए राजा अपना राज छोड़ दे, ऋषि मुनि अपनी तपस्या तोड़ दे। सेठ जी, ये क्या कर रहे हैं आप? मैं तेरी बेशुमार दौलत को देखना चाहता हूँ। तेरी इस कदराई मदमस्त जवानी का एक घूंट पीना चाहता हूँ। नहीं, छोड़ दो मुझे, मैं तुम्हारे हाथ छोड़ती हूँ। मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। गिरधारी सेठ, गिरधारी लाल है नाम मेरा। सेठ गिरधारी लाल ने तुम्हारी इज्जत लूटी। तुम साले गरीब लोग होते ही ना शुक्रे हो। जो तुम्हें रोटी देता है उसी की इज्जत पर पत्थर फेंकते हो। इंस्पेक्टर साहब, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, वो सेठ गिरधारी लाल ने। अगर सेठ जी के खिलाफ एक भी लफ्ज और कहा तो मैं तुम्हें अंदर कर दूंगा, समझी? अरे क्या सेठ जी को एक तुम्ही मिली थी? अगर वो चाहे तो तेरे जैसी 10 औरतें अपने लिए हर रोज खरीद सकते हैं, समझी? सुमित्री भाई, इस झूठी औरत को निकालो यहां से फौरन। मैं झूठी नहीं हूँ, तुम लोग झूठे हो। कैसे कानून के रखवाले हो तुम? एक गरीब औरत की इज्जत लूटी गई और तुम लोग उसकी फरियाद तक सुनने को तैयार नहीं हो। मैं नहीं जाऊंगी, जब तक मेरी फरियाद नहीं सुनी जाएगी मैं नहीं जाऊंगी। मैं सब समझती हूँ, तुम लोग गिरधारी लाल की खरीदे हुए कुत्ते हो। मैं सब समझती हूँ। राम, राम, उठ राम, राम उठ। मार डाल उस नीच गिरधारी लाल को। राम, उसने तेरी जानकी की इज्जत लूट ली, तेरी जानकी की इज्जत लूट ली। उठ राम, उठ राम, उठ। उठ राम, राम उठ, उठ राम। मार डाल उस नीच गिरधारी लाल को। राम, उसने तेरी जान की कीमत हरिलाल जी, आज से फ्लैट हमारा हो गया। हाँ, फ्लैट तो तुम्हारा हो गया, लेकिन वो माल पानी की बात तो करो। अजी, माल पानी की क्या बात कर रहे हैं? जब कहिए तब दे देंगे। अरे भाई, जब तुम्हारा चेक मिल जाएगा तो फ्लैट तुम्हारे नाम हो जाएगा। आखिर ये बिल्डिंग आप लोगों के लिए बनाई गई है, मैंने खुद थोड़ी रहना है इसमें। कौन है ये? वो जानकी का बीमार आदमी है। जानकी? कौन जानकी? वही मालिक, आज सुबह नहीं हो? ओ, क्या बात है भाई? गिरधारी लाल, पकड़ो साले को। ए, ए, छोड़ ले जाओ। आराम से
मुझ पर हाथ उठाता है। मारो सारे को। कीड़े, तेरी ये मजाल, अब देख मैं तेरा क्या हशर करता हूं। क्या साला, गाड़ी नहीं टकराई, ये खुदा के टकराई है। हमारा ब्रेक ठीक नहीं होती तो ये गाड़ी के नीचे आ जाती। ओ, ओ, ये तो बेहोश होगी। अरे खड़े खड़े देखा था, उठाओ इसे। उठाओ उठाओ, ले चलो संभाल के। नहीं, हाँ। अरे अरे इतने मोटे मोटे आंसू मत बहाओ, हमारे दिल बच जाए, तेरी माँ उसमें आ जाएगी। ये मंगल बुधवार भैया, जल्दी अंदर ले आना इन्हें। अच्छा भैया, ये मुंह फाड़े क्या देख रहा है? ये देखा, शंकर भगवान का प्रसाद मिला है हमका। अब नंग धड़ंग डोलते मत रहना यहाँ, इसकी माँ भी साथ है। चला अपना काम करा। अरे भैया, अपने दादा भी बिल्कुल भोले शंकर की तरह भोले ही हैं। हाँ, आराम से आराम से। अरे रखवा, बोला ये मुन्नी के वास्ते फौरन गरम गरम दूध ले क्या। अच्छा? सहेत मिलाई क्या। और सुन, कुछ बिस्कुट बिस्कुट भी पका ले। बच्चा चिचरन माँ है बिचारी, लेकिन लगे है किसी अच्छे घर की खानदानी। अरे शंकर जी की भी कैसन लीला है, कमल को किचड़ में ही खिलाते हैं। अरे आवा हो, आवा जल्दी करा। हाँ, लियो दूध बिटिया के वास्ते।
ये लो। ये पियो। ये सब क्या है? भगवान की लीला है। आप? हम गौरी शंकर और ये हमारे घर। अब हमारी मोटर से टकराई गई थी। इस बच्ची का रोना हमसे देखा नहीं गया। इस बच्ची को हम यहाँ ले आए तो आपको भी लाना पड़ा, और अब हम इस बच्ची को दूध पिलाए रहे हैं। और कुछ लाइए, इसे मैं दूध पिला देती हूं। अरे नहीं, उठा के लाए हैं हम, और सेवा का फल आपको चाहिए। और सुनाओ, जरा दूर रहो, लगता है कितने दिनों से नहाई नहीं, सब कीचड़ लगा है कपड़ों पे। अरे नहीं नहीं, सोफे पे ना बैठो, अभी तुम बेहोश नहीं हो, सोफा गंदा हो जाए। पहले नहाओ धो अच्छी तरह से, खूब साबुन मलकर। हे रघुवा, हाँ? इन स्नान पान की जगह बताई दे, और अपनी मेहरानू की नई धूली धोती दे दे इन्हें। अच्छा, वैसे आपका नाम क्या है? जी, जानकी। जानकी, बड़ा सुंदर नाम है। जानकी, अब बिना खटके रघुवा के साथ जाओ। इलियो, आओ जाओ 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 आओ। कई के पान बना रसवाला, घोड़ा सरपट सरपट दौड़ा, घोड़ा सरपट सरपट दौड़ा। कई के अब घोड़े पर से उतर बिटिया, और हमका फिर से मनुष्य बन जाने दे। आइए आइए, भाई वाह, ये हुई ना बात काम की, अब तुम लगती हो प्रधानमंत्री। रघुवा रहो रघुनाथ। अब क्या है गौरी शंकर? तनिक थोड़ी देर इस बच्ची के साथ खेल। आजा बिटिया आजा, तब तक हम जानकी से बात करेंगे। अच्छा, चल बिटिया चल। नो प्रॉब्लम है ये, नो प्रॉब्लम, हमारे गांव का है, हम और रघु बचपन से खेले कूदे हैं। हाँ तो जानकी, हम तुम्हें अपने बारे में पहले कुछ बताई दे। हम देखने में तो बड़े सीधे सादे मामूली आदमी लगते हैं, लेकिन सच तो यही है कि इस इलाके के सभी लोग हमारे नाम से कांपते हैं। क्यों? क्योंकि हमें झूठ, बेईमानी और अन्याय से सख्त नफरत है। ना इंसाफी हम कभी बर्दाश्त नहीं कर सकत। दूसरी बात, जैसे हमारे पास दूध दही की दुकानें हैं, वैसे ही हमारे पास शराब के ठेके भी हैं। जैसे हम शुद्ध दूध पिलाते हैं, वैसे शराब भी असली पिलाते हैं। बेईमानी की तनिक भी गुंजाइश नहीं। जानकी, रावण की इस काली नगरी में शराफत, इज्जत और ईमानदारी से जीने के लिए पैसा और ताकत दोनों बहुत जरूरी है, और शंकर जी की कृपा से हमारे पास दोनों है। हम स्मगलिंग नहीं करते, खून खराबा नहीं करते, लेकिन शराब का धंधा है तो बदनामी ना, इसीलिए बदनाम भी है। अरे तुम खड़ी काहे हो? ना आए धोए के आइयो, बैठो सोफे पर बैठो। अरे यहां नहीं, हुआ बैठो। अरे बैठो बैठो। जानकी, हमने अपनी महाभारत तुमको सुनाए दी, अब तुम अपनी राम कहानी हमको सुनाओ। इस शहर के भयानक जंगल में तुम कैसे फंस गई? जी, मैं अपने पति के इलाज के लिए उन्हें लेकर यहां आई थी। इस शहर ने मुझे विधवा बनाकर सड़क पर पटक दिया, मुझे और मेरी बेटी को भूखों मरने के लिए। जानकी, तुमरे अपने और परायों ने तुमरे साथ जौन जुल्म किए हैं, उनका इंसाफ होगा, अब इंसाफ होगा, क्योंकि तुम हमरे पास नहीं भगवान शंकर जी की शरण में आई हो। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। क्या नाम बताया बिटिया का? जी, खुशबू। वाह, तभी तो जब से खुशबू और तुम इस घर में आई हो, ये घर मीठी मीठी खुशबू से महक रहा है। तो चला, तुमको कुछ कपड़े लत्ते दिलाए दे, और बिटिया रानी के लिए कुछ खिलौने भी। अरे नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम।
तो अरे भैया बहुत खिलाए दिए। वैसे हम होटल वोटल में कम ही जाते हैं, रघुआ पूरा मानते है, कहते है जब घर है तो होटल में कहे। ए भैया रबड़ी है ताजी? नो सर, आइसक्रीम मिलेगी। क्यों जानकी, आइसक्रीम खाइया? मैं तो नहीं खाऊंगी, खुशबू खाएगी शायद। क्यों खुशबू बिटिया, आइसक्रीम? हाँ, ये हुई ना बात। ये भैया 10 बार आइसक्रीम ले आओ। अच्छा जी। ये ले, ये ले, पेट भर के खाना खाए ले, जाओ। ये गरीबी बड़ी जालिम चीज है जानकी, रोटी पानी बत्ती संडास ये सब चीज बहुत जरूरी है जीने के लिए, और ये सारी चीजें इनके पास नहीं है। हम चाहते हैं कि सारी चीजें इनको दे दे। दीजिए ना। अरे कैसे दे, ये सब देने के लिए म्युनिसिपैलिटी में जाए का पड़ता है। हाँ तो जाइए म्युनिसिपैलिटी में। अरे भाई कैसे जाए, म्युनिसिपैलिटी कोई बाग बगीचा है के घुस जाए? अरे वहां जाने के लिए इलेक्शन में लड़े का पड़ता है, इलेक्शन में जीते का पड़ता है। अब तुम कहोगी कि लड़ो इलेक्शन? हाँ हाँ जरूर लड़िए। अरे खाग लड़े इलेक्शन, खड़े हुए रहे पिछली बार। अरे हमारे तो डिपोजिट ही चला गया वहां, जौन 20-25 वोट मिले वो तो हमरे अखाड़े के लड़कन के रहे। एक आपस की बात है, आपकी बार हम फिर इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन आपकी बार जीतेंगे जरूर शंकर जी की कृपा से। अरे ओ काशी मासी, अरे उठाओ, देखो हम कई का लाए हैं। जानकी? हाँ यही है जानकी, भगवान शंकर की भेजी हुई मेहमान, और ये है खुशबू इसकी बिटिया, और जानकी यह है हमारी मौसी काशी बाई। जब हम 10 साल पहले यहाँ भूखे प्यासे आए रहे तो इन्होंने हमें खोली में जगा दिया। हाँ आओ जानकी, मैं कब से तुम्हारी बात देख रही हूँ। अरे जाओ जाओ अंदर जाओ, अपने पांव खोली में रखो और इसे पवित्र कर दो। जानकी जी। अब तुम यही रहो, खाओ पियो आराम करो, नो प्रॉब्लम, काशी बाई तुम्हारे साथ रहेगी। ए, हम चलते हैं, हमें एक इम्पोर्ट मीटिंग करनी है, आखिर इलेक्शन लड़ रहे हैं ना। बहुत अरसे बाद एक अच्छे इंसान के दर्शन हुए, मुझे तो ये गौरी शंकर किसी देवता का अवतार लगता है। क्या हुआ, क्या हुआ जानकी? कुछ नहीं, कुछ नहीं बेटी, कुछ नहीं। ये तेरी सांसों की धोखनी बता रही है, कोई है जिसे जलाने के लिए तेरे अंदर आग दहक रही है, इस आग को बेकार मत जला, अपनी इन सांसों को सही समय के लिए बचा कर रख, शांत कर मन को और सो जा। भाइयों और बहनों, अब आपके सामने अपने दादा गौरी शंकर बोलेंगे। अरे इतने लोगों के सामने हम कहाँ बोलेंगे? अरे आओ गौरी शंकर बोलो। अरे हम कहाँ बोलेंगे भाई, तू ही बोल दे, तुझे तो सब मालूम ही है। कहाँ बोलो तू, इलेक्शन तुम लड़ रहे हो, तुम बोलो। अरे हम क्या खाक बोले, हमारी तो हिम्मत ही जवाब देगी इतनी भीड़ के सामने, हम तेरी कहावत है यार। अरे अरे डर गया रे। ए भैया तनिक पानी पिलाना।
हमरा तो गला ही सूख गया। अरे पानी पियो और घर जाओ। भाई लोग हम आपसे बहुत कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन हम तनी घबरा गए इसीलिए पिछली बार भी हार गए थे। हमरा तो डिपॉजिट ही चला गया और इस बार भी जाएगा। अरे नहीं, इस बार हम जीतेंगे। कैसे जीतोगे? अरे आप लोग हमें जिताओगे? क्यों जिता दे? क्या है कि हम आपको सब कुछ देंगे। क्या दोगे? बंगला, मोटर, गाड़ी, सब कुछ देंगे। झूठा! गौरी, ये क्या बोल रहे हो? अरे हम तो सच कह रहे भाई, हम इन लोगों को सब कुछ देंगे। बकवास बंद करो और भागो यहाँ से। अरे क्यों भागे? हम कुछ बोलेंगे, हम आप लोगों को दूध पिलाएंगे। क्या मुफ्त पिलाओगे? अरे मुफ्त में कैसे पिलाएंगे, हमारी भैंस क्या खाएगी। हाँ, हम आप लोगों को शराब पिलाएंगे असली, नो प्रॉब्लम। शराब पिलाएगा? अरे शराब पिलाने वाला नेता हमें नहीं चाहिए। अरे तुम लोग तो हमारी पूरी बात सुनत नहीं, एकदम जाहिल जानवर हो। अरे तुमसे तो अच्छी हमारी गाय भैंस है, हमारी बात तो तनिक सुनती है। जनावर बोलता है हमें, गाय भैंस बोलता है हमें। गौरी शंकर मुर्दाबाद। कोई मदद नहीं करता है इसकी, यही सबके लिए अपनी जान माल लुटाता है। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, चुप हो जाइए, भगवान के लिए चुप हो जाइए। भाइयों और बहनों, माँ और बेटियों, मैं जानकी हूं, मैं भी एक माँ हूं, मेरी भी एक बेटी है, मैंने भी गरीबी की गोद में जन्म लिया है। मैं जानती हूं कि गरीब होना कितनी मजबूरी की बात है। गरीबी का दर्द, गरीबी की शर्म, गरीब होने की लानत और बेइज्जती मैंने भी देखी है और सही है। गौरी शंकर वैसे तो एक बहुत बड़े दादा कहलाते हैं, गुंडा कहलाते हैं, क्योंकि इनके शराब के अड्डे चलते हैं, लेकिन मैं जानती हूं कि गौरी शंकर असलियत में क्या है। ये एक फरिश्ता है, देवता है। इनका दिल गरीबों और मजबूर लोगों के लिए प्यार से भरा है। क्योंकि मेरे भाइयों और बहनों, गौरी शंकर ने भी गरीबी देखी है, गरीबी भोगी है, गरीबी के नंगेपन के शर्म और पीड़ा से लड़ चुके हैं ये। आप लोग जानना चाह रहे होंगे कि मेरा और गौरी शंकर का क्या रिश्ता है। मेरा और गौरी शंकर का रिश्ता है दर्द का रिश्ता। जब कोई इंसान किसी थके हारे गिरे हुए इंसान को संभालता है, उसे हमदर्दी देता है, तब ये दर्द का रिश्ता जन्म लेता है। आपके और गौरी शंकर के बीच में भी यही दर्द का रिश्ता है। भाइयों और बहनों, माँ और बेटियों, गौरी शंकर अच्छी तरह जानते हैं कि गरीबी की फटी चादर से आप अपनी इज्जत आबरू नहीं ढक सकते। मेरी आपसे प्रार्थना है कि एक बार आप गौरी शंकर को आजमा कर देखिए और फिर देखिए कि गौरी शंकर आपकी जरूरतों और आपके इंसाफ के लिए लड़ते हैं या नहीं। गौरी शंकर को आप अपने दुख दर्द और मजबूरियों और उम्मीदों से भर दीजिए और फिर देखिए कि गौरी शंकर आपका इतना सारा बोझ उठाते हैं या नहीं। धन्यवाद। जानकी देवी नहीं, बोलिए गौरी शंकर जिंदाबाद। गौरी शंकर जिंदाबाद। गौरी शंकर जिंदाबाद। गौरी शंकर जिंदाबाद। गौरी शंकर। जानकी, तुम्हारी रूप तो हमने कभी देखा ही नहीं, कितना अच्छा और सच्चा बोलती हो तुम। ये देखो, हम तो हैं बहुत साधारण आदमी, अब तुम संभालो और हमको जिताई दियो। तुम जीत गए गौरी शंकर, अब तुम कुछ बोलो, अपनी जनता से कुछ बात करो। आप लोग सब हमरे अपने हैं, हमारे मन में आपके लिए जो प्यार और हमदर्दी है, जानकी जी ने सब कुछ बता दिया है।
मैं आप लोगों की इसी चाल से चलकर यहां तक पहुंचा। ये काशीबाई जानती है? माओ बहनों और दोस्तों, मैं आप लोगों को झूठा वादा देना नहीं चाहता, क्योंकि गरीबों से धोखा करना बड़ा पाप होता है। अरे गरीबन की बलतुआ से तो बड़े बड़े राजमहल सिंहासन मिट्टी में मिल जाते हैं। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि मैं इम्तिहान में बैठा हूं, पास और फेल आप पर छोड़ता हूं। बस नमस्कार। ठीक है ना? जीतेगा भाई जीतेगा, कोई जीतेगा, जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, कोई जीतेगा, जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, कोई जीतेगा, जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा। तुमने हमारे जीवन का बहुत बड़ा सपना पूरा कर दिया। हम तोहरे सामने कुछो नहीं, लेकिन हमारे पास जो कुछ भी है, आज से तुम ओकर आधे की साझेदार हो। नहीं नहीं गौरी शंकर, मैंने किसी लालच की वजह से तुम्हारा साथ नहीं दिया। तुम बहुत अच्छे आदमी हो, सच्चे इंसान हो, इसलिए मैंने तुम्हारा साथ दिया। ए, हमका मन की बात बोले दो जानकी, अब हम तोहरे बिना एको कदम नहीं उठा सकते। तुम हमेशा हमरे साथ रहो, खुशबू बिटिया हमरे पास रहे, इसलिए हम तुमसे प्रार्थना करते हैं। सिर्फ तुम हमारी साथी ही नहीं, जीवन संगिनी बन जाओ, हमसे शादी कर लो। गौरी शंकर, तुम जैसे देवता आदमी के जीवन संगिनी बनना तो किसी भी औरत के लिए बड़े सौभाग्य की बात होगी, बड़े गर्व की बात होगी। लेकिन मैं जानती हूं तुम्हें झूठ से सख्त नफरत है, ना इंसाफी और अन्याय से नफरत है। मैं तुमसे झूठ नहीं बोल सकती। जानते हो मैं आज तक ये सिंदूर की बिंदी क्यों लगाती हूं? क्योंकि मेरे लिए आज भी राम जिंदा है, मेरे मन में, मेरी खुशबू के रूप में। मैं आज भी राम को बहुत प्यार करती हूं गौरी शंकर। तुमने मेरे जीवन की डूबती नैया को सहारा दिया, लेकिन तुमसे शादी करके मैं तुम्हें पत्नी का प्यार नहीं दे पाऊंगी जिस पर पति का अधिकार होता है। ये नाइंसाफी होगी गौरी शंकर, जो मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं कर सकती। क्या हम दोस्त बनकर नहीं रह सकते? जानकी, आज हमारी नजर मां तुम्हारी इज्जत, तुम्हारा आदर और भी बढ़ गवा है। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। तुम्हार दोस्ती, तुम्हार साथी ही चाहिए हमका। ऐसे बड़ा प्रसाद, आशीर्वाद शंकर भगवान हमका और क्या दिए। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। जानकी, आज इस शुभ घड़ी मां ये मामूली सी भेंट स्वीकार करा। ये किस चीज की चाबियां है? घर की, तोरे घर की। आज से तुम अपने घर मां रहोगी, जानकी निवास मां। मेरा घर? हाँ, ये तो सगुन है जानकी। तुम्हार कर्ज तो हम सात जन्म तक ना चुका पाएंगे। अरे भाई, आप कैसे समझाएं हम सबको? शंकर जी, म्युनिसिपल काउंसलर बनने की बहुत बहुत बधाई है आपको। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। लेकिन पहले ये बताइए कि चुनाव जीतने की खुशी इतनी देर बाद क्यों मनाई जा रही है? बात दरअसल ये है कि हमें अभी तक विश्वास ही नहीं हो रहा है कि हम इलेक्शन जीत गए हैं। खाना उस तरफ लग गया है,
आप लोग जरूर खा लीजिए। एक्सक्यूज मी मैडम। आदाब। नमस्कार। तो आपने हमारे गौरी शंकर दादा को म्यूनिसिपल काउंसलर बना ही दिया, मुबारक हो। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने शायद मुझे पहचाना नहीं। मैडम उस दिन नहीं पहचाना था और उस गलती के लिए मैं आज माफी चाहता हूँ। अरे नहीं नहीं, हम जिंदगी भर ही का हाथ नहीं लगाए। अरे भैया एक बार हाथ लगाओगे तो ऐसा हाथ दिखाएगी कि हाथों हाथ ले लिए जाओगे। ले लीजिए गौरी शंकर जी, ले लीजिए। हर चीज की कभी ना कभी पहल करनी पड़ती है। अब म्युनिसिपल काउंसलर बनने की भी तो पहल की आपने, क्यों? वो ठीक है लेकिन ये सब नहीं भाई। अरे दादा हमारी खातिर एक घूंट ले लो। अरे जिद्दत करो भैया, एक घूंट भी पियेंगे तो यहीं पर गिर जाएंगे। काम गिर जाएंगे और क्या। अरे एक सांस में हम 5 किलो दूध पी जाते हम गिर जाएंगे। अरे भैया दूध बच्चे पीते हैं, मर्दों का पीने का चीज है। तो क्या मर्द नहीं? अरे मर्द है तो पी के बताओ। पियो ये बात है। दिखाओ पी के दिखाओ। ये हमने ठेके की है ना। अरे आप ही के ठेके का है ये देखा। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, हम मर्द हैं, हम दिखाते हैं। घूम गए घूम गए। महुए का घूंट एक बिया, बनाई
हाँ तो दीनू काका, तुम्हारी बेटी को स्कूल में दाखिला तो मिल गया था ना? हाँ बेटी, लेकिन मैं... हाँ हाँ मैं समझ गई, उसकी स्कूल फीस की तुम चिंता मत करना। रघुनाथ हो जाएगा मैडम, बैठ जाओ। जीती रहो बेटी। यस जॉन। मैडम, म्युनिसिपैलिटी वाले हम बस्ती वालों को बहुत सताते हैं, बार बार आकर हमारे घरों को तोड़ने की धमकी देते हैं और हमसे पैसे लेकर चले जाते हैं हमारे सिरों पर तलवार टांग कर। हमें हमेशा डर लगा रहता है मैडम। लेकिन तुमने आज तक मुझे बताया क्यों नहीं? अब के बार वो लोग आए तो उन्हें एक पैसा मत देना, मुझे खबर कर देना। जब तक मैं जिंदा हूं मैं तुम लोगों को बेघर होने नहीं दूंगी। दादी 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 खाना दे दो, भूख लगी है। आ गई रानी बेटी, हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लाती हूँ। दादी मम्मी कहाँ है? मम्मी काम कर रही है बेटी, कुछ लोग आए हुए हैं। मम्मी हमेशा लोगों से घिरी रहती है, हमारे पास बैठने की तो उनको फुर्सत ही नहीं मिलती है कभी। तुम्हारी मम्मी तुमसे बहुत प्यार करती है। मम्मी मुझसे प्यार करती है दादी, तो मैं मम्मी की पूजा करती हूँ। मैं जरा मम्मी से मिल लूं। ना ना बाबा, वहाँ मत जाना, उन्होंने मना किया है। तू यहाँ बैठ, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। ये रंडी है साली, धंधा करती है। राम जाती। ये झूठ बोलता है मेम साहब, मैं अपनी बच्ची की कसम खाकर कहती हूँ, मैं कोई बुरा काम नहीं करती मेम साहब। मैं अपना और अपनी बच्ची का पेट भरने के लिए लोगों के घर में भांडे बर्तन करती हूँ, और ये 24 लाख दारू पीता रहता है मेम साहब। दारू पीता हूँ तो तेरे बाप के पैसे से नहीं पीता हूँ साली। रंडी है नहीं, लेकिन अगर तुम इसी तरह दारू पीते रहे तो एक दिन जरूर बना दोगे। झूठ बोलती है, ये रंडी है। तू क्या कर रही है, चल। रंडी है ये। तुझे कहा था ना उधर नहीं जाने का, फिर क्यों गई? वो सब तुम्हें नहीं सुनने का, चल बैठ खाना खा ले, चल। दादी रंडी क्या होती है? बेकार की बातें मत करो, खाना खाओ। बताओ ना दादी रंडी क्या होती है? फिर कभी अपने मुंह से एक गंदा शब्द मत बोलना। बच्चे को क्यों मारती है जानकी? वो यहाँ रहेगी तो ऐसे गंदे शब्द सुनेगी भी और बोलेगी भी, उसमें उसका क्या कसूर है? तुम ठीक कह रही हो मौसी, कसूर मेरा है, गलती मेरी है। का जोड़ी है। ए अरे रखवा, वो कौन फिल्म रही जे मा वो दुई मोटर पतलवा खूब हसात रहे? अरे वो लॉरेल हार्डी। हाँ हाँ वो है। चल लगा ले शरत, ये अपना लॉरेल वा एक पसली वाला ही जीतेगा। तुम दोबारा इलेक्शन का जीत गए, तुम्हें हरी हरी दिखाई देने लगी है। कल लग गई 5 रुपये की। अरे ही हमार तगड़ा पहलवान ही जीत गए। जल लगा, लग गई। चलो निकालो 5 रुपया। अरे दे था हमको पहले का तुमसे 10 रुपया लेने का है। हाँ अरे पहलवान यहाँ आओ। क्या रे ससुरा, 2 किलो दूध पियात रहे रोज का, खा ले हराई दिया हमका है। चला गौरीशंकर, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। अरे तो हमका बुलाए लिए होती, चला हुकुम करा। बिनती है गौरीशंकर, मैं खुशबू को यहाँ से कहीं दूर भेजना चाहती हूँ, किसी अच्छे बोर्डिंग स्कूल में। लेकिन तुम रह सकोगी उसके बिना, अपने कलेजे के टुकड़े के बिना? कभी कभी शरीर कहीं और दिल कहीं दूर धड़कता है, खुशबू का यहाँ से दूर जाना ही बेहतर है। हाँ वो तो ठीक है, पर हमरे दिल का क्या हुई? हम अपनी खुशबू बिटिया के बिना कैसे रहेंगे? रहना पड़ेगा, उसकी भलाई की खातिर रहना पड़ेगा। पर ऐसा का हुई गवाह है? मैं अपने बच्चे को इस शहर की जिंदगी से दूर रखना चाहती हूँ। ऐसा
अरे नो प्रॉब्लम, पंचगनी में हमारे दोस्त का एक स्कूल है, खुशबू बिटिया वहीं पढ़ेगी, ठीक है ना? अरे अरे, अच्छे बच्चे इस तरह नहीं रोते, बुरी बात, रो मत खुशबू, मैं आऊंगी ना हर हफ्ते तुमसे मिलने। अरे हम तो हर दूसरे दिन आ धमकेंगे अपनी बिटिया के पास। हाँ। मम्मी, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। खुशबू, तुम मेरी खातिर यहाँ नहीं रह सकती? हाँ, मेरी खातिर? अभी तेरी माँ को थोड़े काम और करने हैं। अरे नहीं बिटिया, नहीं, रोते नहीं। अरे तुम बोलो तो हम सुसरी पूरी पंचगनी को खरीद के बंबई ले चले, नो प्रॉब्लम, हम आएंगे ना। तुम पढ़ो, खूब पढ़ो, अपनी माँ का नाम रोशन करो। अच्छा, हम चलते हैं, नो प्रॉब्लम। ए, कहाँ जा रही है? मुझे बचा लीजिए आपी, मुझे बचा लीजिए। कौन हो तुम? क्या हुआ? मैं सबीना हूँ आपी, वो कसाई मुझे जबरदस्ती अपने साथ ले जाना चाहता है, मुझे बचा लो। अरे तुझे तो अल्लाह भी नहीं बचा सकता बेशर्म, तेरे बाप ने तेरा निकाह मेरे साथ किया है। बेचा है? हा? मेरी मर्जी के खिलाफ मुझे बेचा है। बेचा है? हाँ हाँ, बेचा है। मैं इसका बाप हूँ, तुमसे मतलब? तुमने अपनी बेटी को बेचा है? तुम आदमी हो या हैवान? ए मैम साहब, आप अपनी नेतागिरी अपने घर में रखिए, ये मेरी बेटी है, मैंने इसे पाला पोसा है, मैं इसका कुछ भी करूँ, हमारे घरेलू मामलों में दखल देने वाली आप कौन? ये मेरी जरखरी चोरू है। अच्छा, कितने में खरीदी है तुमने ये जोरू? 10,000 दिए हैं मैंने इसके, हराम शादी। चल, अरे तेरे होश में मैं ठिकाने लगाता हूँ। ठहरो, मैं तुम्हें 15,000 रुपए देती हूँ, छोड़ दो इसे। वाह, लाखों की जोरू को 15,000 में छोड़ दूँ? मेम साहब, मैंने इससे निकाह किया है और इससे लाखों कमाऊंगा। आप तो क्या, दुनिया की कोई ताकत इसे नहीं बचा सकती। चल घर। रुक जाओ। क्या नाम है तुम्हारा? बशीर खान। खान तो मैं भी हूं, इंस्पेक्टर खान, लेकिन तुम खान नहीं हो सकते, क्योंकि खान कभी औरत को भाजी तरकारी की तरह खरीदा बेचा नहीं करता। सच्चा मुसलमान औरत की इज्जत करता है, तुम्हारी तरह उसे मिट्टी में रौंदा नहीं करता। बेटी, तुम्हारी उम्र क्या है? जी 17 साल। झूठ बोल रही है ये हरामजादी, इसकी उम्र 20 साल है। नहीं सर, ये देखिए, ये मेरे कॉलेज का आइडेंटिटी कार्ड है, इसमें मेरी जन्म तारीख लिखी हुई है। हाँ, तुम दोनों गुनहगार हो। मैडम, आप सबीना को संभालिए, मैं इन दो बदमाशों को संभालता हूँ। चलो मेरे साथ, चलो चलो। आप ही रो मत सबीना, अब डरने की कोई बात नहीं। बेचा है, मेरी मर्जी के खिलाफ मुझे बेचा है। मुंशी कह रहे तो तुझे रुपए चाहिए अपने पति के इलाज के लिए। क्या बात है मुकादिम, ये भीड़ कैसी है? जी वो मैं
म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बिल्डिंग तोड़ू दस्ते का इंचार्ज हूँ। तो ये हमारी बिल्डिंग तोड़ने आए हैं। ये कैसे हो सकता है सेठ जी? ये कहते हैं कि ये बिल्डिंग गैर कानूनी है। अरे ये कैसे हो सकता है? ये जमीन मैंने कानूनन खरीदी है, मेरे पास सेल्स डीड है। इस 5000 गज के प्लॉट में से सिर्फ 500 गज जमीन की रजिस्ट्री आपके नाम पर है। 500 गज? ये कैसे हो सकता है? बाकी 4500 गज मिस्टर सक्सेना के नाम पर है। आप 48 घंटे के अंदर अपना क्लेम साबित कीजिए, वरना ये बिल्डिंग तोड़ दी जाएगी। क्या लीजिए? ये क्या ये नोटिस है, इस पर साइन कीजिए। अरे पर ये कैसे? आप साइन कीजिए, सरकारी नोटिस है, उस पर साइन तो करना ही पड़ेगा। 48 घंटे है ना हमारे पास। लीजिए, आप साइन कीजिए, आप साइन कीजिए जी। ये लीजिए। ओके लीजिए। नमस्कार। नमस्कार। चलो ये आप कुछ सोचिए नहीं सेठ जी, कुछ कीजिए। ये बिल्डिंग टूटने वाली है, किस्मत फूटने वाली है, लक्ष्मी रूठने वाली है, उसे मनाइए। पर कैसे? अरे किसी नेता वेता के पास जाइए, उसे कुछ खिलाइए, कुछ पिलाइए, उसकी हथेली पे सरसों जमाइए। अरे हाँ, हमारे इस इलाके का वो नया काउंसिलर है ना भैया गौरीशंकर, उसके पास जाइए। गौरीशंकर? ओई गवाना, तोरी अंधेरी चाल माऊ जी आ रहा। हाँ दादा, बिजली तो आ गई, अब जरा सड़किया भी ठीक ठाक हो जाए तो। धीरे धीरे रे मना, सब कुछ होए, अब सड़क भी बन जाएगी, अब चला। अच्छा दादा, जय श्री राम। जय श्री राम। चला चला। अरे गिरधारी लाल सेठ, अरे वहां का करो तो आओ, हमारे बगल में आओ। अरे डरो मत, हम दबाएंगे नहीं। गौरीशंकर जी, मैं तो सचमुच दब चुका हूं। क्या कहते? अरे आपने तो आज तक दबाया ही दबाया है, सरकारी जमीन से लेकर मजदूर की गर्दन तक सालों से दबाते ही चले आ रहे हो। ये कैसे हो सकता है? मैं तो जनता का सेवक हूँ, इसलिए इलेक्शन में भी मैंने आप ही को वोट दिया था। जी ये कैसे हो सकत है? हमारे वार्ड की वोट लिस्ट में आपका नाम है ही नहीं। कौन बात नहीं, यहाँ कैसे आए? जी ये देखिए, ये मैंने 5000 गज का प्लॉट खरीदा था और ये उसका अग्रीमेंट है और ये उसकी रजिस्ट्री है। ताओ? मैं उस पर एक बिल्डिंग बना रहा हूँ। म्युनिसिपैलिटी वाले बोलते हैं कि वो बिल्डिंग इलीगल है, यानी कि गैर कानूनी है। ताओ? वो उस बिल्डिंग को तोड़ना चाहते हैं। ताओ? ये तो बिल्कुल सरासर अन्याय है, जुल्म है ना। मैंने पूरे 5000 गज जमीन का प्लॉट खरीदा था उनसे और वो कहते हैं कि क्या बोला थे? वो बोलते हैं कि 5000 गज जमीन नहीं, 500 गज जमीन का प्लॉट खरीदा था। 500 गज जमीन को 5000 बना लिया, मतलब एक शून्य बढ़ा लिया। नहीं नहीं, मैं ये कैसे हो सकता है? मैंने नहीं। गलत बात है। ये शून्य से खिलवाड़ करने वाले शून्य में मिल जाते हैं। गौरीशंकर जी, आप मेरा विश्वास कीजिए, ये देखिए पेपर्स। अरे हमरा देखने से क्या होगा, चलिए इस काम के लिए आपको हम शून्य में ले चलते हैं। शून्य? ये शून्य कहाँ है? जहां सब खाली हो जाते हैं। चलिए, जय भोले शंकर। आइए 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 आइए। जानकी देवी, देखो कौन आए हैं। शहर के नामी बिल्डर हैं सेठ गिरधारी लाल। हाँ, लगता है आपसे पहले कहीं मुलाकात हो चुकी है। बड़े कीर्तिमान, धनवान और चरित्रवान व्यक्ति हैं। बड़े परोपकारी हैं। सुना है कि किसी की मजबूरी देख नहीं सकते। हाँ, मैंने तो सुना था कि ये घर बुला के मदद करते हैं। क्यों सेठ जी? गरीबों का कोई हमदर्द हो तो आप जैसा। गौरीशंकर, गिरधारी लाल जी के तो सारे शहर में बूथ लगने चाहिए। लेकिन इस वक्त तो इनके बूथ टूट रहे हैं। वो कैसे? म्युनिसिपैलिटी ने नोटिस भेजा है। कैसा नोटिस? मेरी बिल्डिंग तोड़ने का। कौन सी बिल्डिंग? एक काम कीजिए, ये कहानी आप इन्हीं की जुबानी सुनिए, तब तक हम एक जरूरी फोन करके आवाते हैं। अरे जानकी, तुम? मुझे नहीं पता था कि तुम ही वो जानकी देवी हो जिसकी सारे शहर में जय जयकार है। अरे वाह, क्या नाम कमाया तुमने। मुझे पता होता तो मैं इतने दिन तक तुमसे दूर थोड़ा ही रहता, और फिर पुराने संबंध टूटते थोड़ा ही है। कमीने,
तेरे साथ तो एक ही संबंध है मेरा, दुश्मनी का संबंध। अब देखना मैं इस संबंध को कैसे निभाती हूँ। जानकी, जू पैलेस स्कीम में मेरा 5000 गज का एक प्लॉट है। 5000 नहीं, 500 गज। ये तुम कैसे कह सकती हो? ये क्या कह रही हो तुम? तुम्हें कैसे मालूम? मुझे सब मालूम है, क्योंकि 4500 गज सक्सेना साहब का है। अपने सक्सेना साहब? अरे तब तो कोनो चिंता नहीं। जानकी देवी, आपने सक्सेना साहब को बोल के वो प्लॉट इस गिद्ध, मेरा मतलब इस गिरधारी लाल सेठ को दिलवा दीजिए, नहीं तो इस बेचारे को जेल जाए क्या पड़ी। हा? जेल? लेकिन ये कैसे हो सकता है? अरे काहे नहीं हो सकता। क्यों? जौन लोग तो हर बिल्डिंग में फ्लैट बुक किए हैं, वो क्या तुमको छोड़ेंगे? जेल भिजवा के दम लेंगे। हाँ, मुझे मुझे बचा लो जानकी। जानकी देवी कहा? जानकी देवी, मुझे बचा लीजिए, मैं जेल नहीं जाना चाहता। घबराइए मत, मैं आपको बचा लूंगी। कोई आपकी बिल्डिंग नहीं तोड़ेगा, आप इत्मीनान से जाइए जाइए जाइए। धन्यवाद धन्यवाद। गौरीशंकर, कल शाम 4 बजे। नो प्रॉब्लम। अरे सुनिए सुनिए, सेठ जी घर से निकल चुके हैं, बस पहुंचते ही हो। हमारे पैसे वापस करो। गिरधारी लाएंगे कह रहा हूं। वो देखिए आ गए सेठ जी। क्या बात है, क्या हुआ? चोर, फ्रॉड, हमारे पैसे वापस करो। दूसरों की जमीन को अपनी जमीन समझता है, धोखेबाज। यू चीट, हम 5-5 लाख रुपए दे चुके हैं। 30 का 30 लाख का सब पैसे वापस करो। शांति 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 शांति, आप लोगों को आपके फ्लैट्स का पोजेशन मिलेगा। हमें नहीं चाहिए फ्लैट, ये हमें गुमराह कर रहा है, झूठ बोल रहा है। सुनिए आप लोग, ये क्या? शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। सुनिए सुनिए, आपको पैसे चाहिए ना? हाँ तो मिल जाएंगे, मिल जाएंगे, आपको पैसे मिल जाएंगे। मुकादम 1.5 करोड़ रुपए का सवाल है। अगर 3 दिन के अंदर अंदर हमें रुपया नहीं मिला तो ये बिल्डिंग तो म्युनिसिपलिटी बाद में तोड़ेगी, पहले हम सब मिलकर तुम्हारा और गिरधारी लाल का मुंह तोड़ देंगे। चलो भाइयों, सेठ जी, मामला बहुत गंभीर हो चुका है, अब तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। ऐसे कहो जी कि बिना लगाम के घोड़े हो गए हैं जमीन के भाव, रुकते ही नहीं, भागे ही चले जा रहे हैं। जानकी देवी, 3 करोड़ के प्लाट की कीमत 9 करोड़ हो गई है आज। 9 करोड़? आपका कहने का मतलब ये है कि उस 4500 गज जमीन के गिरधारी लाल जी को 9 करोड़ देने पड़ेंगे? अरे 9 गिरधारी लाल भी बिक जाए तो भी 9 करोड़ रुपया नहीं आएगा। हाँ, लेकिन गिरधारी लाल जी, इस समस्या का कुछ तो हल निकालना पड़ेगा हमको। सक्सेना साहब जी, आपने कितने में जमीन खरीदी थी? जी 3 करोड़ में, 1 साल पहले। 1 साल पहले ना? 1 साल में 1 करोड़ का फायदा काफी है। गिरधारी लाल जी, ऐसा कीजिए 4 करोड़ में सौदा कर लीजिए। अच्छा मैं चलती हूँ, मुझे एक मीटिंग में जाना है। ये नहीं हो सकता। तो बहुत बहुत धन्यवाद, हम अगले साल 11 करोड़ में बेचेंगे। अरे अरे सक्सेना साहब, बैठिए, तनिक बैठिए बैठिए बैठिए। क्या है के तोहर कोनो साख है कि नहीं? नाम डूबने से तो बेहतर है कि ससुरा समंदर में जा डूबो। अरे का फायदा है जिंदा रहे का? आते जाते लोग बेईमान बोले, चोर बोले, सुबह शाम आपके मुंह को कचरे का डिब्बा बनाकर थूके। लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं है। हाँ, बंद्रा कुल्ला रोड और जोगेश्वरी का प्लॉट आप इनके नाम कर दीजिए, वो प्लॉट आपके नाम हो जाएगा। अरे क्या सोच रहे हैं, लीजिए लीजिए 10 कट कीजिए। लेकिन मैं, लेकिन मैं, लेकिन मैं कैसे? आहा, अब गिरधारी सेठ हो गए शून्य, और का हो गए चिंता से मुक्त, और चित्त हो गया इनका प्रसन्न। वैसे चित्त प्रसन्न करने का हमारे पास और एक प्रबंध है। आपके पास? चले कहाँ? वहां एक चतुर नार करके श्रृंगार।
हेलो पुलिस स्टेशन। यस। क्या मैं इंस्पेक्टर खान से बात कर सकती हूँ? मैं बोल रहा हूँ। हाँ खान साहब, मैं जानकी बोल रही हूँ। आप फौरन मेरे घर आ जाइए, यहाँ बड़ी मुसीबत आन पड़ी है। मैं अभी आ रहा हूँ। थैंक यू। इस हैवान ने मेरी इज्जत लूट ली और मुझे इसने कहीं का नहीं छोड़ा। आपा हवलदार। यस सर। इस आदमी को उठाकर पुलिस स्टेशन ले चलो। तमाम गवाहों के बयानात और डॉक्टरी रिपोर्ट की बिना पर यह अदालत मुलजिम गिरधारी लाल को एक नाबालिग लड़की सबीना पर बलात्कार करने के जुर्म में आईपीसी की दफा 376 के तहत 7 साल कैद बामुशक्कत की सजा देती है। चलो कोई तुमसे मिलने आया है। मुझसे? मुझसे मिलने कौन आएगा? यहां तो कोई नहीं है। पुराने संबंध इतनी आसानी से नहीं टूटते सेठ गिरधारी लाल। अच्छा अच्छा तो तुम हो। जब से तुम जेल आए हो मेरे दिन रात बेचैन हो गए हैं। यही सोचते रहती हूं कि गिरधारी लाल जी को जेल में कोई तकलीफ तो नहीं। तू मेरी तकलीफ के बारे में सोचेगी? हाँ अरे क्यों बेवकूफ बना रही हो मुझे। तू तो ये देखने आई होगी कि अगर कुछ तकलीफ कम हो तो और बढ़वा दो। नहीं नहीं गिरधारी लाल, मैं तो तुम्हें खुशखबरी सुनाने आई हूँ। वो जो तुम्हारी बिल्डिंग थी ना, वो तोड़ दी गई। क्या? और वो तेरी कांदीवली वाली जमीन, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स वाली तेरी सारी जायदाद मैं नीलाम करवा के आई हूँ। कमीनी धोखेबाज। खबरदार, मैं तेरी जान ले लूंगी। अगर आज मुझे गाली दे तो मैं तेरी जान ले लूंगी। उस दिन वक्त तेरा था, तूने अपनी मनमानी कर ली, लेकिन आज वक्त मेरा है। मैं तेरी हर सांस पर पहरा बैठा दूंगी, तेरा जीना हराम कर दूंगी। कोई नहीं आएगा तेरी मदद को, तेरा साया भी नहीं। अपने कुकर्मों को याद करके अकेले ही रोती रहना, तड़पता रहे अंधेरों में, सड़ता रहे। ए काली लाला, गजब हो गया। अबे मिश्रा क्यों चिल्ला रहा है? साली दारू गले में अटक गई। अरे ये देखो, तुम्हारी जान तुम्हारे सीने में अटक जाएगी। अपनी जान की बहुत बड़ी नेता बन गई है बंबई में। अबे सठिया गया है क्या? जानकी और नेता, उसकी फोटो अखबार में छपी है। ए, 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 देखो देखो। तैयार है? ये तो सच्ची मुची जानकी है। हाँ ये तो जानकी ही। नमस्ते जेठ जी। बहू तू? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? अरे ना ही रे, ये अपनी जानकी तो है। हम अभी अभी आप ही के गुण गा रहे थे भाभी। हाँ मुझे पता चला, मुझे पता चला कि आप लोग मुझे याद कर रहे हैं, इसलिए तुम्हें फौरन चली आई। और जेठ जी सब कुछ ठीक ठाक तो है? कुछ ठीक नहीं है बहू, ये जीना भी कोई जीना है। क्यों मौसी, जेठ जी को शराब नहीं मिलती? अरे शराब के लिए भी गुड़ चाहिए बहू। कुछ नहीं बचा बहू, सारे खेत बिक गए। और मेरा मकान भी साहूकार ने नीलाम करा दिया। अरे रे रे, मेरे होते मेरे देवर और जेठ जी की ये हालत मैं नहीं देख सकती। मैं आप लोगों को अपने साथ ले जाती, लेकिन क्या करूं, मुझे पूरे राज्य का टूर करना है। ऐसा कीजिए आप लोग बॉम्बे आ जाइए, सब ठीक हो जाएगा। हमेशा के लिए आ जाए? आपका मकान तो अभी है ना? हाँ है। उसे बेच दीजिए,
मैं बंबई में आपको कोई बिजनेस शुरू करवा दूंगी। भाभी भाभी मैं भी आ जाऊं? हाँ जरूर, क्यों नहीं। मेरे लिए जैसे जेठ वैसे देवर, दोनों में कोई फर्क नहीं। अच्छा नमस्ते, बंबई में मैं आपकी राह देखूंगी। अच्छा, अरे काली और मिश्रा, तुम दोनों की तो निकल पड़ी है। अबे निकल नहीं पड़ी, तोड़ पड़ी। जानकी देवी, ओ जानकी देवी, ये दोनों भूत आपके बंगले के बाहर खड़े आपका पता पूछत रहे। बहू रानी, ये कैसे लोग आपने यहाँ रख छोड़े हैं? प्रणाम भाभी जी। ये दोनों कौन है? अरे आपने सुना नहीं, ये मुझे बहू रानी कह रहे हैं। ये है कालीचरण जी, मेरे स्वर्गवासी पति के बड़े भाई, और ये है मेरे पति के मित्र, मेरे देवर जी श्री अशोक मिश्रा। ओहो, तो यही है वो दोनों महान हस्तियां। जी हाँ, रुपए लाए हैं ना जी? जी हाँ बहू रानी, जैसा तुमने कहा था मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। मकान भेज दिया, सारे रुपए ले आया। बहुत अच्छा किया आपने। गौरीशंकर जी जरा यहाँ आइए। आ गए। ऐसा कीजिए, इन्हें ले जाइए और इनका कल्याण कर दीजिए। समझ गए समझ गए। चलो जजमानो। लेकिन हमारे रहने सहने और खान पान का इंतजाम भी। अरे वो हमारे जिम्मे में है, खूब डट कर खान पान कराएंगे, बलि के बकरे की तरह। अरे नहीं नहीं डरो मत, हम शुद्ध शाकाहारी हैं, मांस नहीं खाते। वैसे भी कुत्ते का मांस कौन खाएगा। अरे काली दादा, कमाल हो गया, ये जानकी ने हमारे सारे गुनाह भुलाकर हमारे लिए शानदार मिठाई की दुकान खुलवा दी। बोलो। अरे अकेली पड़ गई है, जरूरतमंद है, इसीलिए हमको बुलाया है। मतलब कि चिड़िया खुद ही पिंजरे में फंस रही है। आइए आइए। ये मिठाई क्या भाव है भाई? ये मिठाई 100 रुपया किलो है। 100 रुपया किलो? हाँ जी। नीचे वाली 80 रुपए किलो है। ये क्यों भाई, महंगी वाली मिठाई नहीं रखते? 2000 रुपए किलो वाली। 2000 रुपया? ये कीमत मिठाई की नहीं, इस शक्कर की है। इस शक्कर को मिठाई पर लगाओ और बेचो 2000 रुपए किलो। इस शक्कर में ऐसा क्या है? अरे भाई शराब में ऐसा क्या है, जो शराबी घर बेच के पीता है। जलवा है जलवा। हाँ क्या भाव है? अरे छोड़ो भाव को, पहले तुम बेचो कमाओ, मैं आके वसूल कर लूंगा भाव। अजीब लोग हैं बंबई के, माल देते हैं और पैसे भी नहीं लेते। मैं जरा थोड़ी थोड़ी लगा दूं मिठाई के मुंह पे, ये शक्कर बड़ी महंगी है। क्या भाव लगा है मिठाई का? कौन सी मिठाई चाहिए, महंगी या सस्ती? महंगी पहले चखने तो दो। मिश्रा ये ऊपर सफेद क्या लगा है? अरे यही तो है वो, क्या नाम बताया था इस हलवे का? जलवा। जलवा है जलवा, ये लो चखो। थू, नशीली दवाइयों का धंधा करते हो? नशीली दवाई? 7 साल की जेल होगी, अभी पुलिस को लेकर आता हूँ। अरे क्या करता है? अरे रुको भाई रुको, हम ऐसा धंधा नहीं करते। ये बम्बई है बम्बई, यहाँ बिना दिए कुछ नहीं मिलता। 7 दिन का गल्ला लूंगा जेल से बचाने के लिए। हाँ, और अब 7 दिन दुकान मैं चलाऊंगा। अबे तू चलाएगा तो हम क्या करेंगे? तुम लोग साफ सफाई करोगे, मैं गल्ला संभालूंगा और हल्ला करूंगा। हल्ला का मतलब मालूम है? जाओ कढ़ाई साफ करो। आए, हम कढ़ाई साफ करेंगे? अबे पागल हो गया है, बुलाऊं पुलिस को? नहीं, अरे पुलिस नहीं, जेल नहीं जाना है, तू जो बोलेगा हम साफ करेंगे। बोल क्या साफ करना है। अरे इंस्पेक्टर साहब आइए, ये नशीली दवाओं का धंधा करता है, पकड़ लो इसे। मुझको नहीं इनको। आइए अंदर आइए, मालिक ये है दुकान के। पर इंस्पेक्टर साहब ये शक्कर हमें इसी आदमी ने दी थी। बिल्कुल इसी ने दी है। इंस्पेक्टर साहब ये आदमी झूठ बोल रहा है, मैं तो इन दोनों की शक्ल पहली बार देख रहा हूँ। पकड़ लो इन्हें। अरे चलो, क्या कर रहे हो? तुम्हें जो भी कहना है पुलिस स्टेशन में कहना। चलो चलते हैं। खुशबू, अरे तेरी मम्मी नहीं आई? खुशबू आज जरूर आएगी,
आज पेरेंट्स डे है ना, आज तो आएगी ही मेरी मम्मी। खुशबू, अरे मम्मी नहीं बिटिया, अंकल आए हैं। अंकल? अंकल, लेकिन मम्मी क्यों नहीं आए? आज पेरेंट्स डे है, मैं उनसे कभी नहीं बोलूंगी। अरे ना बिटिया ना, अपनी मम्मी पर गुस्सा नहीं करते। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुहार मम्मी सिर्फ तुहरी ही मम्मी नहीं, अरे वो तो हजारों लाखों बेसहारा लोगों की भी मम्मी है। नहीं, मेरी मम्मी सिर्फ मेरी मम्मी है। आज मुझे उनसे कितनी सारी चीजें मांगनी थी। अरे तो हम कब बोला का चाहिए तुम्हें? अरे आज के लिए हमें ही अपनी मम्मी समझ लियो। अरे तुम कहो तो साड़ी वाड़ी पहन के जानकी बन जाए। हंसी अपनी बिटिया हंसी। अब बोला बोला क्या चाहिए तुम्हें? आज खूब घूमना है और नए कपड़े भी खरीदने हैं। नो प्रॉब्लम। और नए जूते भी चाहिए और नया बैग भी। नो प्रॉब्लम। नई घड़ी भी। अरे बिल्कुल नो प्रॉब्लम। 1 2 3 4 कम अंकल कम।
आप यहां और इस हालत में? वो औरत तो मुझे मरवा ही देती अगर उसका बस चलता तो। लेकिन तू यहां कैसे? तू तो गांव में था। अरे भैया, हम भी एक औरत के सताए हुए हैं। ये मेरे दोस्त हैं कालीचरण, और काली दादा ये मेरे मौसेरे भाई हैं सेठ गिरधारी लाल। बंबई में एक छत्र राज है इनका। था भाई साहब, वो कौन है जिसने आप जैसे धर्मात्मा की ये हालत की है? जानकी। जानकी? जानकी? तुम जानते हो उसे? पहले सिर्फ उसे जानते थे, उसका असली रूप यहाँ पहचाना है। बड़ी खतरनाक औरत है, इसी ने हमारी ये दुर्दशा की है। अशोक, मैं जानकी को नहीं छोड़ूंगा, और तुम लोगों को भी तो उससे बदला लेना है ना। मुझे तो उसका खून पीकर ही शांति मिलेगी सेठ जी। तो ठीक है, मैं अपने मुकादम बंसी से कहकर तुम लोगों को यहां से छुड़वा दूंगा, लेकिन एक शर्त पर, बाहर निकलते ही तुम लोग जानकी को खत्म कर दोगे। भाई साहब, आपकी शान की कसम, हम जानकी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हाँ, कल सूरज उगने से पहले जानकी मर चुकी होगी।
शंकर। जानकी, जानकी। मम्मी। खुशबू, मेरी बच्ची। मम्मी, अब मैं आपको अकेला नहीं रहने दूंगी। बहुत कर लिया आपने जनता का भला, देखो क्या बदला मिला है आपको। कुछ भी तो नहीं हुआ है मुझे। गौरीशंकर जी, समझाइए इसे कि सच्ची और अच्छी राह पर चलने वाले लोग चाकू छुरियों से नहीं डरते। अरे बेटी, हम तनिक देर से पहुंचे, वरना हम यह हालत कभी नहीं होने देते। कौन थे वो लोग गौरीशंकर जी? आपके जजमान और उनके गुंडे। रात भर हरम जादन का हम ढूंढत रहे, हाथ नहीं लगे, मगर हम उन सालों को छोड़ेंगे नहीं। डूब मरो सबके सब कहीं जाकर, डूब मरो। छह आदमी एक नेहती औरत को नहीं मार सके। शर्म करो, ए शर्म करो। सेठ जी, वो हुंडा गौरी शंकर आ गया, वरना जानकी को तो हम मार ही चुके थे। हाँ सेठ जी, जानकी को मार ही चुके थे। चुप गौतम, चूड़िया पहनो तुम लोग। भाई साहब, हम ठहरे गांव के आदमी, हमें ज्यादा अकल का। अब आप ही कहो हमें क्या करना है। तुम लोग कुछ नहीं करोगे, अब जो कुछ भी करना होगा वो मैं करूंगा। मैं जानकी, तुझे तो मैं खुद ही बाहर आकर खत्म करूंगा। कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब। जानकी देवी, 10-15 दिन अभी और आपको हमारी देखरेख में रहना पड़ेगा। अरे काहे कंजूसी कर रहे हो डॉक्टर, 2-4 महीने और कहो। 2-4 महीने ना बाबा। जानकी देवी, जानकी देवी। क्या बात है रघु? बस्सी के मकान तोड़ने के लिए आए गए हैं म्युनिसिपैलिटी वाले बुलडोजर लेके। मुबारक हो सेठ जी। मुबारकबाद उस दिन देना बंसी, जिस दिन मैं जानकी को इस दुनिया से रिहा कर दूंगा। हाँ, तो हम चांद पर अपना घर बनाएंगे और फिर जब हमारे बच्चे हो जाएंगे तो ए, रुक 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 रुक, कहाँ हुआ दादा? अरे ये तो अपनी खुशबू लगत है, साथ में ये छोरा कौन? भावरा। ये गोरा गोरा छोरा तू है, भौरा लगता है, हैं? हम खुद ही पता करा था। खुशबू बिटिया, क्या हुआ? लगता है मेरे अंकल आ गए। अब मैं क्या करूं? तुम जाओ, छुप जाओ झाड़ियों के पीछे, जाओ जाओ जाओ। अरे कैसी हो खुशबू बिटिया? मैं ठीक हूँ अंकल। आप अकेले आए हैं या मम्मी भी आई है? अरे वो के पास बकत हो तब ना है, वो तो सारा दिन जनता की सेवा में ही लगी रहते है। अरे गोरा गोरा छोकरा कौन था तुरे साहब? कौन अंकल? मैं तो यहाँ अकेली हूँ। अकेली? हाँ। अंकल आप क्या ढूंढ रहे हैं? भूत। भूत? ये क्या कह रहे हैं आप अंकल? अरे जो पलक झपकते ही गायब हो जाए वो भूत ही तो है ना, तू फिकर मत कर, हम उसका ढूंढ लेंगे। अंकल वहाँ झाड़ियों के पीछे कोई भूत नहीं है। अरे तू फिकर मत कर, आज हम उसका साक्षात दर्शन करके ही जाएंगे। Thank you.
अरे तो भूत ना ही, हमारी तरह मानुष है। अरे इतने लंबे चौड़े तगड़े खूबसूरत नौजवान हो, ये बताओ हमसे डर के भाग काहे रहे थे? मैं नहीं डरा था अंकल, ये खुशबू आपसे डरती है, इसी ने तो मुझे कहा था कि झाड़ू के पीछे छुप जाए। चुप रहे। और तुम मान गए? जिंदगी भर हमारी बिटिया की बात मानोगे? जी अंकल। का नाम है तुम्हार? जी मनीष खन्ना, बंबई में जो सिल्क मिल के मालिक है ना, जतिन खन्ना, उन्हीं का बेटा। अरे तब तो कोनो फिकर की बात नहीं है। ये देखो भैया, हमारी तरफ से तो तुम दोनों की शादी पक्की, ये हमारी तरफ से मीठी मीठी बधाई, ये खुशखबरी तो हम जानकी को जरूर देंगे। ए, और सुनाओ, एक हफ्ते के बाद हम जानकी को साथ लेकर तुम्हें लेने आएंगे, तैयार रहना। अच्छा अंकल। क्या हो गया ये? भाई साहब, छुरी से मारने में बड़ी देर लग जाएगी। गोलियों से भून देते हैं कमीनी को। नहीं, बंदूक से तो ये फौरन मर जाएगी। मुझे इसके जिस्म का गरम गरम खून बूंद बूंद करके बहाना है, ताकि छुरे के हर वार पे ये चीखे, तड़पे, रहम की भीख मांगे। मालिक, अब ये औरत मामूली औरत नहीं रही है, अब ये चंडी बन गई है, महाकाली दुर्गा। जो भी से हाथ लगाएगा जलकर राख हो जाएगा। क्या पकता है बंसी? पक नहीं रहा मालिक। जानकी के चारों तरफ जनता के प्यार की ऐसी मजबूत दीवार है कि जो भी उससे टकराएगा अपना सर फोड़ेगा। तो तुम क्या चाहते हो, हम अपने अपमान को चुपचाप सह लें? बदले की आंख हमें चैन से जीने नहीं देगी। आप बदला ले सकते हैं, ऐसा बदला कि जानकी अपने आप बिना मौत मर जाएगी। कैसे? सेठ जी, जानकी की जिंदगी, उसकी आशाएं, उसकी सारी उम्मीदें, उसकी हर सांस अपनी इकलौती बेटी खुशबू के लिए है। खुशबू को बर्बाद कर दीजिए, जानकी मर जाएगी। खुशबू। गुड मॉर्निंग खुशबू। गुड मॉर्निंग मैम। बंबई से तुम्हारे अंकल आए हैं। आ गए, मम्मी भी होंगी साथ में। आप? हेलो खुशबू, तुम मुझे नहीं जानती, लेकिन तुम्हारी मम्मी मुझे बहुत अच्छी तरह से जानती है। मेरा नाम गिरधारी लाल है। ओह, लेकिन मम्मी? तुम्हारी मम्मी किसी काम की वजह से नहीं आ सकी। ओह। और गौरी शंकर जी म्युनिसिपैलिटी की एक बहुत जरूरी मीटिंग में बिजी है। तुम्हारी मम्मी ने मुझे भेजा है तुम्हें बंबई लाने के लिए। ओह। और हाँ, तुम्हारे लिए ये खत भी भेजा है। मैं चलती हूँ अंकल। नमस्ते। हेलो, मेरी मम्मी ने मुझे इनके साथ बंबई बुलाया है। देखिए मैम, जाओ, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू मैम, गुड बाय। ला ला, वो बैग मुझे दे दे, चलो। रघुआ, जरा जल्दी, खुशबू वहां इंतजार कर रही होगी। अच्छा ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले ही तो आपका भेजा हुआ आदमी खुशबू को लेकर गया है। मेरा भेजा हुआ? यस, ये लेटर दिया था ना आपने उसे। तेरी माँ को जब मालूम पड़ा होगा कि उसकी लाडली गिरधारी लाल के हाथों में है, तो बेचारी अब तो खौफ और सदमे से मर चुकी होगी। अफसोस तो इस बात का है कि तू अपनी माँ की जलती हुई चिता को नहीं देख सकेगी। चिता तो तेरी जलाएगी मेरी माँ। कालीचरण, ये तेरे भाई की बेटी है ना? अरे कौन जाने किसकी बेटी है, पता नहीं जानकी ने किस किस के साथ अपना मुंह काला किया है। रुको रघुआ, वो पापी यही है, रुको। अब मैं तुझे कच्ची कली नहीं रहने दूंगा। मा,
आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। गौरी शंकर जरा देख यहां। भाई साहब को छोड़ दे गौरी शंकर, वरना तेरी जान की और खुशबू की लाशें बिछा देंगे। शाबाश शाबाश। अच्छा बड़ा प्यार है तुझे जान की और खुशबू से। हाँ पकड़ से और बांध दो शराम जादे को और जानकी को और इसकी लाडली खुशबू को मेरे पास लेकर आओ। छोड़ दो मेरी बच्ची को। मैं कहती हूँ छोड़ दो मेरी बच्ची को। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मेरी बच्ची को। खुशबू गिरधारी, मेरी बच्ची को जलील किया तो मैं तुझे कुत्ते की मौत मारूंगी। छोड़ दो उसे कमीने। छोड़ दूँ? तूने मुझे छोड़ा था जानकी? सबीना के बलात्कार के झूठे इल्जाम में तूने मुझसे 7 साल जेल में पत्थर तोड़वाए हैं। उस बेइज्जती का बदला आज मैं तेरी आंखों के सामने तेरी बेटी की इज्जत को लूट कर लूंगा। क्यों अपनी मौत को आवाज दे रहा है कुत्ते? छोड़ दे खुशबू को। माँ दुर्गा, माँ चंडी, माँ काली, मैंने आज तक तुझसे कभी कुछ नहीं मांगा। ये राक्षस मेरी आंखों के सामने मेरी बेटी की इज्जत लूट रहे हैं। आज मुझे शक्ति दे माँ, मुझे शक्ति दे कि मैं अपनी बेटी की इज्जत बचा सकूं। मुझे शक्ति दे माँ, शक्ति दे, शक्ति दे। जानकी अब तो अपनी लाडली बेटी को बर्तन देख। Jackie!
रानी जी। Thank you.
और मैंने उन तीनों हैवानों को खत्म कर दिया जिन्होंने मेरी बेटी को हाथ लगाया था। यह अदालत जानकी देवी का फैसला 10 दिन बाद इस महीने की 24 तारीख को सुनाएगी। तब तक के लिए यह अदालत मुलतवी की जाती है। गौरीशंकर जी, मैं जानती हूं कि अदालत मुझे मौत की सजा देगी, देनी ही चाहिए। मैंने तीन हैवानों का खून जो किया है, लेकिन मरने वाले से उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है। मेरा इस दुनिया में आपके सिवा कोई नहीं है। मैं आपसे अपनी आखिरी ख्वाहिश मांगती हूं, पूरी करेंगे। अपनी जान देकर भी मैं इस दुनिया से जाने से पहले खुशबू की शादी देखना चाहती हूं। शंकर जी की कसम, हम तो कवचन देते हैं, खुशबू बिटिया की शादी तेरे सामने ही कराएंगे। और ये जो तुम मरने की बात कह रही हो ना, हम तो कब मरने नहीं देंगे और सजा भी नहीं होने देंगे। ये आपका मुझ पर सबसे बड़ा और आखिरी उपकार होगा। योर ऑनर, जानकी देवी के फैसले को अभी 8 दिन बाकी है। आज उनकी बेटी की शादी है, लिहाजा मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगा कि उन्हें पैरोल पे छोड़ दिया जाए। 2,00,000 रुपए का पर्सनल बॉन्ड चाहिए जमानत के तौर पर। सरकार, जमानत हम दे देंगे। तुम ठीक तो हो ना? हाँ ठीक हूँ, बस थोड़ी थकावट महसूस हो रही है। Yeah!
मैं 7 जन्मों तक नहीं चुका पाऊंगी। लेकिन हम तुम्हारी दोस्ती का कर्जा इसी जन्म में चुकाना चाहते हैं। हम ये बात तुम्हें बताना नहीं चाहते थे, लेकिन आज इस खुशी के मौके पर बता ही देते हैं। हम अपना सब कुछ खुशबू बिटिया के नाम कर दिए हैं, और फिर तुम्हारे और खुशबू बिटिया के अलावा हमारी इस दुनिया में है ही कौन? जानकी, जानकी, चल। आशीर्वाद तो मम्मी। तेरी मम्मी का आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है बेटी। मम्मी बोलती क्यों नहीं? बहुत थक गई है, सो रही है। मम्मी, मम्मी, प्यारे भाइयों बहनों, आप लोगों की प्यारी जानकी भगवान को प्यारी हो गई है। तो मत बेटी, तेरा गौरी शंकर अंकल तो तेरे साथ है। छोड़कर